और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस चलेंगी रेगुलर। सारी चीज़ें 60 दिनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये 60 दिन तक बिल्कुल भी पूरा अपना फुल डिटर्मिनेशन रखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है? और अगर आप क्लास 8 की तैयारी करना चाहते हैं और क्लास 8 के मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, क्लास 8 ही नहीं, यहाँ तक कि 6 to 10th के मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपके जो स्कूल की बुक है NCERT, उसका भी सोल्यूशन वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है? तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चे? तो चलो फिर आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स फैक्टर, मतलब बीजगणितीय व्यंजक और गुणनखंड। इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस आई वाले बटन पर मिल जाएगा, ठीक है? चलो फिर हम पहला क्वेश्चन, हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, पहला क्वेश्चन तुरंत शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि -13x²y² + 5x² y² - 12x² y² इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर देना है। आपका ऑप्शन ए है -18x² y², B 18x² y², C -20x² y² या फिर D 20x² y², है ना? तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे? मैंने क्या बताया कि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ी ना, तो वो आपको पढ़ लिया पर मिल जाएगी, ठीक है? मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें, वहाँ पर लाइक टर्म अनलाइक टर्म, ठीक, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हमें देखना है कि देखो x² y² मतलब कह रहे, मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स में क्या होता है कि अगर दो टर्म माइनस में हो, अगर दो टर्म माइनस में हो तो उनको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और लेकिन साइन क्या करते हैं, माइनस का करते हैं। तो यहाँ पर अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -3 and 2 हो जाएगा 5, और 1 and 1 हो जाएगा 2, मतलब 25। x² और ये हो जाएगा y², सही है? प्लस इसमें से हम क्या करेंगे, 5x² y², बताओ। ये बात आ गई समझ में? इस बात में अगर कोई दिक्कत हो तो पहले बता दो, ठीक है? बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है, बाकी तो आप अब इजीली आप समझ पाओगे कि आगे आपको करना क्या है। क्या करना है कि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है और लाइक टर्म है, तो हमको ये पता है माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, और साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के आगे हो, तो बड़े नंबर का बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है या 5 है भाई? ऑफकोर्स सी बात है 25 है, इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 25 - 5 करोगे तो हो जाएगा 20, तो 20x² और y², 20 - 20x² y² यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? इतनी इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? चलो, तो अभी भी खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी चलो इतना मैनेज कर लो। यदि a+1/a = 3 है ना, वो तो a² + 1/2 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बड़ी बात नहीं है, a+1/a = 3 है, तो a² + 1/2 की वैल्यू क्या होगी? देखो आपका ऑप्शन दिया गया a9, b3, c19 या d7, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तब तक मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। देखो एक आइडेंटिटी पढ़ रखे हो बच्चा, a+b² की, है ना? a+b² की आइडेंटिटी पढ़ा ना, क्या होता है a² + b² और ये हो जाएगा +2ab, सही है? a² + b² + 2ab पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? पढ़े तो हो गए ही ना। अब यहाँ पर पेन दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि पेन ठीक से काम नहीं कर रही है। चलो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर
देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक ही जगह पर एक्स लिख दो, एक ही जगह पर क्या रख दोगे, एक्स लिख दो, ठीक है, और बी की जगह पर क्या रख दो, एक्स नहीं सॉरी ए है तो ए रख लो, ठीक है, बी की जगह पर 1/a रख लो। अगर इसका स्क्वायर करते हो तो ये हमारा कितना हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 × a × 1/a, ये हमारी हो गई आइडेंटिटी, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या कि ए से ए को कैंसिल कर देंगे, ए से ए को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, देखो ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, बहुत सिंपल सी चीज है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम 2 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, और 2 हमारा प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, 2 इधर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात, यही हमको निकालना था, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ए प्लस 1/a की वैल्यू दी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, तो 3 का स्क्वायर -2 कर लो, बहुत सीधी सी चीज़ है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 -2 करने पर 7, लो आ गया भाई हमारा आंसर आ गया, 9 -2 कितना हो गया 7, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, बताओ भाई बात समझ में ना। केवल बहुत सीधी चीज है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, अगर यही मान लो ना ए माइनस बी दिया होता तो हम क्या करते, अगर मान लो तो हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हमें ये निकालना हो, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करते, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 × a × 1/a, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह 1/a लिखा है, बस ए से ए कैंसिल हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाता ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, ये हो जाता। अब हम 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 1 सॉरी ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और ये माइनस इधर है तो इधर आता तो ये प्लस 2 हो जाता, लो बन गई हमारी आइडेंटिटी, बताओ भाई बात आई समझ में। तो ये दोनों तरीके ये याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में क्योंकि लॉन्ग मेथड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज आप तैयार रखोगे ना तो ये आपका आसानी से ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये याद होता तो आपको पता होता है कि इसका स्क्वायर प्लस प्लस 2 होता है ना, इसका स्क्वायर यानी अगर हमें ये प्लस में निकालना है तो इसका स्क्वायर -2, अगर ये माइनस में निकालना होता तो इसका स्क्वायर +2, बस इतनी ही चीज़ तो थी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता कि अगर ये माइनस में दिया होता तो हम इसमें क्या करते, +2 कर देते, ठीक है ना, अगर ये माइनस में होता, लेकिन खैर उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मान लो कि ये दिया होता ना, क्वेश्चन समझ लो, अब जब बताए रहे हैं तो समझ लो, जैसे अगर मान लो ये दिया होता है ए माइनस 1/a इज इक्वल टू 3, इसकी जहाँ पर माइनस लगा होता और यहाँ पर हमें कहा था ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू निकालो, तो बहुत सीधी सी चीज़ है, ए माइनस 1/a कितना हो जाता हमारा 3 का स्क्वायर, और इसमें +2 कर देते तो 3 × 9 और +2 कितना हो जाता हमारा 11 आंसर हो जाता, बस यही हमको करना था, बताओ भाई बात आई समझ में। इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को लगाओगे ना तो बहुत ही इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है हमें कि देखो ये तो सीधी सी आइडेंटिटी वाली थी कि 790 का स्क्वायर माइनस 788 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, ऑप्शन भी हमारे दिए गए हैं, दुनिया भर के ऑप्शन दिए गए, क्या 2801, 2795, 3200 और 3156, ये हमें दिया गया है। अब हमको क्या पता है कि ए स्क्वायर ये है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होती है और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी होती है, ठीक है,
तो यही तो होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना दिया गया, 790 का स्क्वायर माइनस 788 का स्क्वायर, तो यही क्या करना है, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा उन्हीं दोनों का मतलब प्लस करने पर जो आएगा और जो माइनस करने पर उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों का जो गुणा करोगे, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, जिनका जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा रेड हार्ट, ठीक है। चलो फिर इतना सा कर लो, ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चलो बच्चा पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।